एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक और मेथड दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो आपके पास इक्वेशन है 2x plus 3y equal to 46, 3x plus yy equal to 74। तो सबसे पहले इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है डियर, कि आपके पास जो कांस्टेंट वाली टर्म्स होंगी यानी c1 और c2 होंगे आप उन्हें इक्वल टू के राइट साइड पे लिख देंगे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप राइट साइड पे रख रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले में -1 लेकर चलेंगे। अगर आप ये दोनों चीजें लेफ्ट साइड पर लेकर चल रहे हैं तो ये आपके पास +1 होगा। तो आपके पास एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करी जाए तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, दोनों ही तरीके करेक्ट, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। राइट, तो हमने यहाँ दोनों चीजें जो आपके पास C1 और C2 है उसे राइट साइड पे लिया हुआ है, 46 और 74। नाउ A1 इज 2, B1 इज 3 एंड C1 इज 46, A2 इज 3, B2 इज 5 एंड C2 इज 74। नाउ फॉर्मूला इज x B1 B2 C1 C2 y C1 C2 A1 A2 -1 A1 A2 B1 B2 और आपने इन्हें क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस माइनस दिस, ये से मल्टीप्लाई हुआ माइनस दिस, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई इससे, ये मल्टीप्लाई इससे। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं डियर, छोटी सी चीज है बकाव, राइट, पहले इनके बीच में यानी B1 B2 C1 C2 देन दिस C1 C2 A1 A2 देन दिस A1 A2 B1 B2 बकाव। दोबारा से देखिए B1 B2 C1 C2 देन दिस वन C1 C2 A1 A2 देन दिस वन A1 A2 B1 B2 फिर वैल्यूज पुट कर दीजिए। B1 B2 कितना है आपके पास 3 और 5, C1 C2 कितना है आपके पास 46 और 74, C1 C2 सेम, A1 A2 है आपके पास 2.3, C1 A1 A2 की वैल्यू रख दीजिए और B1 B2 के, और क्या करेंगे दिस इंटू दिस 222 माइनस दिस इंटू दिस, राइट, सिमिलरली दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सिमिलरली 5 2s are 10 माइनस 9। अब हमें क्या करना है, हमें -6 -27, तो -27 हो गया 9
माइनस टू, या माइनस लगा होता है अगर ये माइनस में आता तो ये प्लस हो जाता। दिस इज माइनस नाइन, माइनस यहाँ लगा हुआ है, ये माइनस नाइन हो गया तो ये प्लस नाइन आ गया, राइट। तो दिस इज एक्स अपॉन 21, वाई अपॉन 7 एंड दिस इज माइनस 1 अपॉन 0, राइट। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपके पास ये तीनों चीजें सॉल्व हो जाती हैं तो फर्स्ट को थर्ड के इक्वल और सेकंड को थर्ड के इक्वल इक्वेट करते हैं ताकि हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सके। तो वही हम लोग करेंगे यहाँ पर। देखिए क्या हुआ यहाँ पर, जब आपने इक्वेट करा तो एक्स जीरो हो गया, यानी यहाँ पे वेरिएबल ही गायब हो गया। सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हैं ये जीरो इक्वल टू माइनस सेवन आ जाएगा। तो पहली बात तो एक्स और वाई की वैल्यू निकल नहीं रही क्योंकि एक्स और वाई ही गायब हो गई, इसका मतलब यहाँ यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो फिर क्या है, या तो मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं या नो सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि मैनी है या नो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? अगर आपके पास एक्स और वाई नहीं आ रहे तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। अब जो ये सिचुएशन आपके सामने है, ये सिचुएशन फॉल्स है। जीरो इज नॉट इक्वल टू माइनस 21, जीरो इज नॉट इक्वल टू माइनस 7 बिकॉज दैट रिजल्ट इज फॉल्स, देयरफॉर द सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, यहाँ पर नो सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। तो देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू आती आपके पास, लेट इट बी जीरो इक्वल टू जीरो आता या सेवन इक्वल टू सेवन आ जाता, तो ऐसे केस में यहाँ पर कैसे सॉल्यूशन होते हैं आपके पास, क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू होती वो मैनी सॉल्यूशन का केस हो जाता। तो आई होप क्लियर हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। अगर आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू निकल रही है तो यूनिक, अगर एक्स वाई की वैल्यू निकल नहीं रही है और जो आपके पास स्टेटमेंट आई वो फॉल्स है तो नो सॉल्यूशन, और अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो मैनी सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट देखते हैं। वैल्यू 1, b1
P1 माइनस 3 C1 7 A2 की वैल्यू 3 B2 की वैल्यू माइनस 3 C2 की वैल्यू 15। फॉर्मूला लगा दीजिए P1 B2 C1 C2 C1 C2 A1 A2 A1 A2 B1 C2। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं अक्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज माइनस 45 माइनस 21 तो प्लस 21 हो जाएगा। 7 इंटू 3 21 माइनस 15 दैट इज माइनस 3 प्लस 9। तो ये आपके पास आ गया, फर्स्ट को थर्ड के इक्वेट, सेकंड को थर्ड के इक्वेट कर दीजिए। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू माइनस 1, दैट मीन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप करा चुके हैं, इसलिए हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को नहीं करके दिखाया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। वो भी आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो। देखिए A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू 5, C1 ऑलरेडी राइट साइड पर है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 9 आ गया। A2 3, B2 2 एंड C2 इज 4। बस अब अपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, फॉर्मूला लगाइए, वैल्यूज पुट कर दीजिए और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। 20 माइनस 18 27 माइनस 32 16 माइनस 15 राइट, ये आपके पास आ गया। अब फर्स्ट को थर्ड के इक्वेट और सेकंड को थर्ड के इक्वेट, तो x बाय 2 इक्वल टू माइनस 1 यानी x की वैल्यू माइनस 2 आ गई, और y इक्वल टू माइनस 5 ये आपके पास माइनस 1 के इक्वल है तो y की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। आई होप इट्स क्लियर, थैंक यू सो मच गाइस।